हिंद दोस्तों इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों कैसे आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे पढ़ रहे होंगे तो लास्ट टाइम क्या कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हम कर रहे थे लास्ट टाइम ठीक है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों देखो <coughs> जैसे मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर भी तो यदि मूलधन यदि अपना प्रिंसिपल मूलधन दो तो है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आर टी परसेंट यही होता है और मिश्र धन का अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है वो होता है सो प्लस में आर टी परसेंट यही बता रखा अब तक तो तो यही सीखा हमने और इन्हीं का शॉर्टकट के तौर पर यूज करते हैं हम ठीक है ये तो अपना साधारण ब्याज का हो गया और ये अपना मिस्र धन का हो गया ये हमने देखा अब देखो जैसे हम साधारण ब्याज की बात करें यहाँ पर जैसे सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करें सबसे पहले दर है अपनी बीस परसेंट तो अब क्या करते हैं इसको बीस बटे सो करके इसको सोल करते तो एक बटे पाँच होता है मैं इसको क्या बोलता हूँ हमेशा प्रिंसिपल बोलता हूँ ना मूलधन और ये अपना ब्याज है सबको पता है ठीक है और ये दोनों का क्या है जोड़ जो होता है वो अमाउंट होता है मिश्रधन होता है ये सबको पता है अमाउंट होता है ये प्रिंसिपल होता है तो ये हो, और ये अपना ऐसा ही होता है और यही जो मेथड हम यूज करते हैं दोस्तों यही मेथड हम डिस्काउंट में यूज करते हैं ठीक है ना यही मेथड डिस्काउंट में यूज करते हैं डिस्काउंट में और इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होता बस फर्क होता है पॉजिटिव नेगेटिविटी यदि इसको पॉजिटिव कर देते हैं तो उसको ब्याज कहलाता है ठीक है ना बट मतलब ब्याज को हम बट्टा भी बोल सकते हैं मगर वो पॉजिटिव रहता है हमेशा ठीक है मगर जो डिस्काउंट के तौर पर जब हम प्रॉफिट लॉस की हम बात करते हैं कोई वस्तु को बेचने की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो डिस्काउंट होता है वो नेगेटिव होता है दोस्तों वस्तु के ऊपर कोई भी वस्तु बेची जाती है और उस पर जो डिस्काउंट मिलता है वो नेगेटिव के तौर पर मिलता है जैसे मान लो कहता हूँ भाई मैं कहता हूँ डिस्काउंट है हमें भाई वो बीस परसेंट का डिस्काउंट आप बोलोगे यहाँ पर माइनस का बीस बटे सो, मतलब माइनस का एक बटे पाँच मतलब ये हुआ इसका रिजल्ट क्या है अपना माइनस के तौर पर देखा तो एक बटे पाँच मतलब ये अपना एम पी है अंकित मूल्य और ये अपना बट्टा है डिस्काउंट डिस्काउंट है जिसको हम बट्टा बोलते हैं डिस्काउंट ठीक है और ये इन दोनों का जो घटा के जो भी वैल्यू आई ठीक है वो आई आपकी चार ये अपना सिंपल इंटरेस्ट ये सॉरी सेलिंग प्राइस है ठीक है ना सेलिंग प्राइस ठीक है विक्रय मूल्य मेरा कहने का मतलब ये देखो चीज़ वही है चीज़ वही है एक बटे पांच बस यहाँ पर क्या हो गया ये यहाँ पर ये हो गया भाई यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी हमारी नेगेटिव हो चुकी है और ये यहाँ पर वैल्यू क्या हो चुकी है दोस्तों पॉजिटिव हो चुकी है मतलब ब्याज में और डिस्काउंट में कोई फर्क नहीं है कोई फर्क नहीं है उतना ही ब्याज मिलता है वस्तु पे उतना ही हमें डिस्काउंट मिलता है बस बात यह है ब्याज यहां से कितना मिला एक रुपया और डिस्काउंट कितना मिला एक रुपया आई बात में मतलब हम ब्याज को यहां पर ब्याज को हम बट्टा भी बोल सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं बस ये है ये वैल्यू पॉजिटिव होती है ये वैल्यू नेगेटिव होती है फर्क वही है बस चीज तो वही है यदि हम पॉजिटिव नेगेटिव को भूल जाए वैल्यू तो उतनी ही है ना भाई देखो यहां पर देखो पांच रुपये ब्याज एक रुपया मिला पांच रुपये में डिस्काउंट एक रुपया मिला है तो एक ही रुपया तो वो एक ही रुपया मतलब कई बार ये है ना लैंग्वेज में ट्विस्ट करता है लैंग्वेज में बदलाव करेगा वो बट्टा बोलेगा उसको बात को समझना वो क्या बोलेगा बट्टा शुद्ध बट्टा बोल देगा शुद्ध बट्टा मतलब यहाँ पर आपको समझना है बात को ये अपना बट्टा जैसे डिस्काउंट है तो यहाँ पर जब शुद्ध बट्टा की बात करें ना ये ऐसे क्वेश्चनों में शुद्ध बट्टा तो ये समझ लो वो ब्याज की बात कर रहा है। की बात कर कर रहा रहा है है की की ब्याज मतलब बट्टा ही ब्याज है गंगाधरी क्या है शक्तिमान है समझ गया ना बात वहां पर बट्टा ही क्या होगा दोस्तों ब्याज होगा ये बात ध्यान रखनी है आपको ठीक है उसके बाद यदि हम अपन बात करें यहां पर जो ऋण हमें चुकाना पड़ेगा जो ऋण हमें चुकाना पड़ेगा दे ऋण बोलते जिसको हम जो हमें वो हमारा क्या हो जाएगा मिसर्धन हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा ये अपना इंटरेस्ट हो जाएगा ये अपना क्या हो जाएगा मिसर्धन हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा और जो वर्तमान राशि है फिलहाल जो राशि है वो अपना क्या है मूलधन है प्रिंसिपल ये बात आपको आगे से ध्यान रखनी है कई बार लैंग्वेज का हेर फेर होता सारा बच्चा सोचता है पता नहीं कहां से क्वेश्चन उठ के आ गया बस बात वही है शुद्ध बट्टा बोल देता कई बार शुद्ध बट्टा क्वेश्चन ये ये जरूरी नहीं कि शुद्ध बट्टा अपना प्रॉफिट लॉस में ही क्वेश्चन आएगा नहीं ये अपना सिंपल इंटरेस्ट में भी आ सकता है ये ठीक है बट्टा मतलब वहां पर इन द सेंस ऑफ ब्याज बात को समझना थोड़ा सा ठीक है ना मैंने आपको यहाँ पर बताया दोनों को बस ये बात फर्क ये है ये वैल्यू क्या होती है हमारी पॉजिटिव होती है ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है और ये वैल्यू हमारी क्या होती है नेगेटिव होती है दोस्तों बस फर्क यही होता है ये चीज़ मैं प्रॉपर तरीके से आपको वहां पर भी बताऊंगा जब अगला चैप्टर जो अपने आने वाला है अभी शुरू ठीक है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं बहुत सारी बातें बताता हूँ इसके बारे में ठीक है ना आरी आरिबासन में वो सेम टू सेम है बस वो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल क्या है कि डिस्काउंट का बिल्कुल अपोजिट है बस वहाँ पर डिस्काउंट है लगातार डिस्काउंट होता है वहां पर लगातार क्या होता है ब्याज मिलता है बस यही फर्क होता है ठीक है और कोई फर्क नहीं होता ठीक है इसके ऊपर हम काम करेंगे अभी देखो क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ से ब्याज के तौर पर, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो पांच वर्ष में उन्नीस हजार रुपए जिस पर जिस पर शुद्ध बट्टा पांच प्रतिशत की दर से है तो वर्तमान राशि क्या हो मैंने क्या बताया था आपको तो शुद्ध बट्टा है क्या है भाई अपना ब्याज तो दे ऋण है वो क्या है विसर्ग धन ठीक है और जो वर्तमान राशि है क्या है अपना ठीक है तो देखो भाई यहां पर क्या दे रखा आपको यह कह रहा है पांच वर्षो में उन्नीस हजार रुपए दिए जाते हैं मतलब दे ऋण कितना है उन्नीस हजार रुपए मतलब आपको क्या दे दिया यहां पर मिश्रधन धन इसको आपको दे दिया है यहां पर मिश्रधन धन आपको दे दिया है यहां पर ठीक है भाई मिश्र धन हमारा कितना है उन्नीस हजार है ठीक है और बट्टा कितना है पांच प्रतिशत है तो वर्तमान की जो राशि है वो क्या होगी वर्तमान राशि आपसे पूछा तो वर्तमान राशि क्या होगी तो देखो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले जैसे यदि अपना प्रिंसिपल मूलधन जो है हमारा प्रिंसिपल अपना सो परसेंट है आपको पता है मिश्र धन का फॉर्मूला क्या, होता, का जो क्या होता, है? होता है क्या होता है सो प्लस में आर टी परसेंट होता है क्या होता है सो प्लस में आर टी परसेंट तो प्लस में दर गुणा में समय का प्रतिशत होता है दोस्तों ठीक है ना तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे उन्नीस हजार नहीं है ये दस हजार है ठीक है ना इसको ठीक कर लेना दस हजार है तो यहाँ पर देखो दे ऋण मैंने आपको क्या बताया था दे ऋण की मतलब है यहाँ पर मिस्र धन आपको दे रखा भाई मिस्र धन आपको दे रखा है यहाँ पर देखो मिश्र धन की हम बात करें सबसे पहले देखो मिस्र धन कितना दे रखा है मित्र यहाँ पर दे रखा है दस हजार रुपए अब देखो यहां से मिस्र धन क्या बनेगा हमारा तो प्लस में दर कितनी है पांच और समय कितना है पांच सेंट हमारा परसेंट मतलब क्या है ये है किसके में 125 किसके तो पच्चीसों का सौ पच्चीस पांच एक सौ पच्चीस पांच से काटेंगे कितना तो हो जाएगा ये आठ हजार रुपए तो आठ हजार रुपए अपनी वर्तमान राशि थी वर्तमान राशि इन देंस ऑफ मतलब हम किसको बोल सकते हैं मूलधन को बोल सकते हैं ना और मैंने कहा था मूलधन ही क्या है हमारा वर्तमान राशि है तो वर्तमान राशि जो है वो क्या होगी भाई वर्तमान राशि भाई वर्तमान राशि हो जाएगी हमारी एट थाउजेंड रुपीज यदि आपसे यदि आपसे ये बोल देता यदि आपसे शुद्ध बट्टा पूछ लेता शुद्ध बट्टा शुद्ध बट्टा आपसे पूछ लेता भाई शुद्ध बट्टा बताओ इसमें कई बार शुद्ध बट्टा भी पूछ लेता है तो शुद्ध बट्टा क्या होता है शुद्ध बट्टा किसका नाम होता है ब्याज का होता है और ब्याज कैसे निकालते हैं आपको पता ही है आपको पता है कि मिश्र धन में से यदि हम मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आएगा तो वही बात यहाँ पर है यदि हम दस हजार में से आठ हजार घटा देंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा कितना रुपए दो हजार रुपए कितना रुपए दो हजार रुपए समझ गए ना बात तो इसका मतलब जो शुद्ध बट्टा वो कितना हो जाएगा दो हजार रुपए हो जाएगा यदि पूछे तो यदि पूछे तो फिलहाल आंसर कितना आएगा आपका फिलहाल जो आंसर है वो अपना कितना भाई आठ हजार रुपए है कितना भाई आठ हजार रुपए है ठीक है ना इस तरीके से करना है

आठ हजार रुपये आठ हजार रुपये जो है वर्तमान राशि थी जो तो इसने शुद्ध बट्टे के तौर पर पांच परसेंट के हिसाब से इसने दर के हिसाब से दी थी तो वर्तमान राशि कितनी होगी मतलब प्रिंसिपल ये समझ लो वर्तमान राशि का मतलब क्या है प्रिंसिपल की बात हो रही है यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा अपना वो आठ हजार रुपये हो जाएगा यदि आपसे ये पूछे कि इसका शुद्ध बट्टा कितना है शुद्ध बट्टा का मतलब वो ब्याज की बात कर रहा है तो शुद्ध बट्टा कितना आएगा दो हजार रुपये पूछ सकता है ध्यान रखना नेक्स्ट पढ़ो तीन से एक बटे चार वर्ष में 4%, 4%, 3 चार परसेंट चार परसेंट तीन से एक बटे चार तीन से एक बटे चार है चार नहीं वो एक सेकंड ये है साढ़े सात परसेंट चार तो अगले का है साढ़े सात साढ़े सात है, है। में ना गड़बड़ हो जाती कई बार कोई बात नहीं, साढ़े सात है साढ़े सात परसेंट ठीक है साढ़े सात ही बोला इसने साढ़े सात परसेंट की दर से उन्नीस सौ पचास रुपये देर की वर्तमान राशि क्या होगी यदि शुद्ध बट्टा भी क्या करो अच्छा ऑप्शन भी गड़बड़ है दोनों तो पूछे इसने भाई ऑप्शन दो बना लो फिर इसके ऑप्शन बदल दिए मैंने अब देखो हमें पता है वर्तमान जो राशि उसको हमने मान लिया भाई दो तो परसेंट कितना मान लिया तो दे ऋण यहाँ पर क्या होगा दे दे जो ऋण होगा वो कितना होगा भाई दो तो प्लस में आर टी पर डिस्काउंट को तो अपन क्या बोलेंगे पट्टे को हम एक टाइम से रेट वो बोलेंगे ना ब्याज ही बोलेंगे और तो क्या है तो प्लस में दर कितनी है दर चार तीय बारह और एक तेरह बटे में चार गुणा में सात गुणी चौदह और एक पंद्रह बटे में दो ठीक है जाएगा अपना पंद्रह और तेरह पंद्रह तीय पैंतालीस चार पंद्रह और चार उन्नीस एक सौ पिचानवे है ना एक सौ पिचानवे सौ प्लस में एक सौ पिचानवे बटे में आठ दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अपना नौ सौ पिचानवे नौ सौ पिचानवे बटे में आठ परसेंट ठीक है अब देखो यहाँ नौ सौ पिचानवे बटे में आठ परसेंट किसके बराबर है भाई ये हो जाएगा अपना कितना नौ सौ पिचानवे के बराबर तो अपना सौ परसेंट किसके बराबर हो जाएगा फिर नौ सौ पिचानवे जीरो सौ परसेंट हो जाएगा अपना नौ सौ पिचानवे जीरो दो हजार नौ सौ पचास है बटे में नौ सौ पिचानवे आठ कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और गुना में सो तो यहां से हो जाएगा अपना भाई पे चला जाएगा ये आठ हजार रुपये आठ हजार रुपए तो आ जाएगा अपना वर्तमान राशि भाई वर्तमान राशि कितनी है आठ हजार रुपये अब शुद्ध बट्टे की अपन बात करें शुद्ध बट्टा भी पूछा पूछाने से शुद्ध बट्टा क्या होगा मैंने बताया उस राशि में से जो दे ऋण है उसमें से माइनस कर दो नौ हजार नौ सौ पचास में से आठ हजार माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा उन्नीस सौ पचास हो जाएगा हो जाए 1950 कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा दोनों दोनों पूछे आपसे ठीक है ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है. कौन सा ऑप्शन अपना ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ठीक है भाई इस तरीके से करें आठ हजार और 1950 कर लोगे भाई इस तरीके से Oruna niye, bılık ol नेक्स्ट देखो पांच वर्ष में चार प्रतिशत की दर से चौबीस सौ रुपए में दे ऋण का साधारण ब्याज व शुद्ध बट्टे का अंतर क्या होगा देर ऋण कितना अपना चौबीस सौ रुपए वर्तमान राशि क्या है अपनी सौ परसेंट है दे ऋण बनेगा वो बनेगा सौ प्लस में दर गुणा में समय एक सौ बीस परसेंट बनेगा कितना बनेगा एक सौ बीस परसेंट तो एक सौ बीस प्रतिशत इसके बराबर है भाई चौबीस सौ रुपये के बराबर है तो अपना सौ परसेंट किसके बराबर होगा कितना गुणा है ये ये अपना बीस गुना हो गया ना तो बीस गुना इसको कर दो कितना हो जाएगा दो हजार रुपये दो हजार रुपये तो वर्तमान राशि है ये आपसे क्या पूछा है आपसे पूछा है जो दे ऋण है चौबीस सौ रुपया ऋण का साधारण ब्याज दे और दे का शुद्ध बट्टा जो है देखो पहले तो हम देखते हैं शुद्ध बट्टा क्या होगा तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर शुद्ध बट्टा है कितना शुद्ध बट्टा तो आपको निकालना आता ही है शुद्ध बट्टा मतलब डिस्क... आप समझ लो एक टाइप से क्या ब्याज ही मान लो ठीक है अब राशि चुकाई कितनी है चौबीस सौ रुपए कितने में से दो हजार में से कितना हो गया यहाँ से शुद्ध बट्टा चार सौ रुपये तो शुद्ध बट्टा है ठीक है अब यदि किसका ये कह रहा है चौबीस सौ रुपए दे ऋण का साधारण ब्याज चौबीस सौ रुपए का साधारण ब्याज चौबीस सौ का मूलधन गुणा में दर साधारण ब्याज ये अपन साधारण ब्याज की हम बात करें यहां पर साधारण ब्याज क्या बनेगा मूलधन किसका चौबीस सौ मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे सौ दो जीरो से दो जीरो गई ठीक है पांच सौ का बीस चौबीस दुनी अड़तालीस चौबीस दुनी अड़तालीस चार सौ अस्सी हो गया रुपया चारो रुपये आपसे क्या पूछा है आपसे पूछा है कि जो साधारण ब्याज है वो जो शुद्ध बट्टा है वो उनका अंतर बताओ साधारण ब्याज कितना अपना चार सौ अस्सी रुपए और शुद्ध बट्टा कितना है चार सौ रुपए दोनों का डिफरेंस कितना है अस्सी यही तो आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन नेट डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट ठीक है कितना हो जाएगा अस्सी ऑप्शन में है बिल्कुल ठीक है भाई छोड़ना नहीं है अच्छे तरीके से करना है ठीक है हो जाएगा भाई कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ इसमें नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन जो है अपने किस्त वाले क्वेश्चन है किस्त इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है हमारे ठीक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ठीक है इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपरों में अब इंस्टॉलमेंट दो तरीके की रहती है यहाँ पर एक तो रहती है सिंपल इंटरेस्ट में और एक रहती है कंपाउंड इंटरेस्ट में और बहुत ही सिंपल है ठीक है बहुत सारे मतलब बच्चों के दिमाग में ये फोबिया रहता है कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन हमें नहीं आएगा और इससे आसान क्वेश्चन नहीं है इतना ही बता देता हूँ मैं आपको इससे आसान क्वेश्चन नहीं है इंस्टॉलमेंट के इससे आसान क्वेश्चन नहीं है कोई भी बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको एक ही बात पकड़ लेनी है आगे, आगे आपको कुछ नहीं करना ठीक है देखो जैसे होता होता क्या क्या है है यदि इसको देखा जाए इंस्टॉलमेंट में होता क्या है? जैसे नौ सौ चौलीस रुपए की राशि चार बराबर वार्षिक किस्तों में दी जाती है प्रत्येक किस्त को शेष समय के लिए बारह प्रतिशत वार्षिक देखो अब आपको भी एक बात का पता है कि इंस्टॉलमेंट है ना इंस्टॉलमेंट हमेशा साल के लास्ट में दी जाती है ये बात तो क्लियर है भाई शुरू में हमने बाइक ले ली अब वहीं से इंस्टॉलमेंट शुरू नहीं होती वहाँ से क्या होता है या तो डाउन पेमेंट होती है कुछ ना कुछ भाई हमने मान लो बाइक ले ली दो लाख रुपए की बाइक ले ली या एक लाख रुपए की बाइक ले ली या तो शुरुआत में डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ कई बार क्या होता है वैसे ही भाई किसी का रिकॉर्ड अच्छा है बैंक में किसी का रिकॉर्ड अच्छा है बैंक में तो वहाँ से उसको वैसे भी नॉर्मल सिक्योरिटी के तौर पर दे देते हैं या फिर वैसे उसकी आई टी आर वगैरह देख कर दे देते हैं या फिर हम नॉर्मली हम बात करें भाई आप ना लो ये पैसे इंस्टॉलमेंट में चुका देना कभी भी देखोगे इंस्टॉलमेंट हमेशा शुरू से नहीं होती लास्ट में होती भाई साल महीना खत्म हो गया साल खत्म होगी एक इंस्टॉलमेंट दे दो एक साल खत्म होगी एक इंस्टॉलमेंट दे दो यही बात होती है देखो जैसे मान लो इसने बोला चार बराबर किस्तों में पहली किस्त यहां होगी दूसरी किस्त यहां होगी हमारी तीसरी किस्त यहां होगी और चौथी यहां से चुका के अपना नक्की कर बात को समझना ठीक है मैं कोई शॉर्टकट मतलब कोई भी मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं बताऊंगा आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा ठीक है आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो फॉर्मुला भी बता दूंगा कोई बड़ी बात नहीं है देखो हमने यहां पर एक्स रुपया जमा किया यहाँ पे भी एक्स रुपया जमा किया यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे माना जो किस्त है वो एक्स रुपए की बात को समझना अब कितने साल है ये चार साल एक दो तीन और चार चार साल हमारे पास चार किस्तों में लुटाई ये ठीक है चार किस्तों में लुटाएगा मतलब चार साल की बात हो रही है अब यहाँ पर हमें और जो प्रत्येक किस्त पर ये शेष समय के लिए जो है ब्याज की दर दे रहा है मतलब प्रत्येक जो किस्त हो रही है उस पर ब्याज आपको दे भी रहा है वो ठीक है ये भी बात है यहाँ अब आपने एक सौ रुपया दिया तो आपको कितने समय का ब्याज देगा वो अब खुद ही देखो एक दो तीन तीन साल का ब्याज देगा देगा नहीं हो देगा सिंपल सी बात यहाँ से यहाँ तक वो तीन साल का ब्याज देगा फिर अगली किस्त आपने यहाँ पर जमा करवाई कितने साल का ब्याज देगा वो दो साल का आपको ब्याज कितने साल का ब्याज देगा वो दो साल का ठीक है फिर उसके बाद हमने यहां पर किस जमा करवाई एक साल का ब्याज साल का ब्याज देगा एक साल का। समझ की बात। मतलब ये हुआ हम एक्सौ रुपया जमा करते हैं एक सौ रुपये तो हमें ब्याज देता हो बारह परसेंट के हिसाब से तीन साल फिर हमने क्या किया एक सौ रुपये फिर जमा करवाई फिर हमें जो ब्याज चुका देगा वो दो साल का देगा फिर हमने एक सौ जमा करवाया फिर हमें एक साल का देगा फिर आगे क्या करेंगे हम एक सौ रुपए और चुका देंगे और हिसाब किताब नक्की हो जाएगा आगे कोई ब्याज नहीं मिलेगा और तो टोटल मिला के कितनी राशि हो जाएगी अपनी नौ सौ रुपए आगे ब्याज नहीं मिलने वाला यहां पे पैसा देगा अगली ये तो जो ब्याज मिला इस इंस्टॉलमेंट का मिला तीन साल का इसका मिला दो साल का इसका मिला तीन इसका यहाँ पर यहाँ से कोई ब्याज नहीं मिलेगा इससे जीरो इंटरेस्ट सिंपल सी बात तो मतलब आप देखोगे यहाँ से हमने बात को पकड़ा यहाँ से एक बात को पकड़ लिया भाई ये जो है ना ये जो तैयार हो रहा है ये मिश्र धन तैयार हो रहा है देखो ये भी मिश्र धन तैयार हो रहा है ये भी हमारा मिश्र धन तैयार हो रहा है यहाँ से भी मिश्र धन तैयार हो सकता है यदि हम ब्याज जीरो मान लें कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको देखा होगा पिछली क्लास में इसी का भाई था बस वहां पर ये था वो हर साल कुछ रुपए डालता था यहाँ से मैं चार साल का ब्याज फिर डाला तीन साल का ब्याज फिर डाला दो साल का ब्याज फिर डाला एक साल का ब्याज और आखिरी में पैसा उठा लेता था वो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे आपको पता होगा मतलब यहाँ से मिश्र धन तैयार हो रहा है क्या हो रहा है मिश्र धन तैयार हो रहा है तो इस तरीके से डिटेल में करें तो हम ऐसे होता है डिटेल में इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको करना भी नहीं है मैं आपको राय भी नहीं दूंगा कि डिटेल में ऐसे करो ठीक है डिटेल में आपको करना भी नहीं है ठीक है हम इसको शॉर्टकट लगाएंगे यहाँ पर बस यहाँ पर जगह की शॉर्ट शॉर्टेज है ठीक है। बस यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ इसका एक फॉर्मूला भी होता है इंस्टॉलमेंट इसका फॉर्मूला भी होता है। तो अमाउंट है दे ऋण हम दे ऋण बोलते हैं तो अमाउंट है गुणा में सो तो अमाउंट है गुणा में सो सौ तो गुणा में समय प्लस आर टी टी माइनस वन बाय भाई। ये हमारा फॉर्मूला है मैं आपको सजेशन नहीं करूंगा कि ये लगाओ कभी जरूरत पड़े तो लगा सकते हो कई बार बच्चे सोचते हैं भाई सर इसका कोई शॉर्टकट है क्या शॉर्टकट है ये फॉर्मूला है दिख रहा है क्या ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो ठीक है किस्त वाला फॉर्मूला है हमारा ठीक है इंस्टॉलमेंट का ठीक है तो राशि वो चुकाएगा ये किस्त का किस्त का फॉर्मूला है ये किस्त निकालने का ठीक है तो कितने रुपए की किस्त होगी प्रत्येक किस्त निकालने का ये फॉर्मूला हमारा प्रत्येक किस्त का फॉर्मूला होता है ये ठीक है भाई कितने रुपए की किस्त होगी उसकी जो राशि चुकाएगा वो में सो तो में समय आर टी टी माइनस का वन यहाँ नहीं दिख रहा हो तो ये ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो मगर मैं तो नहीं राय देता मैं तो लगाता नहीं हूँ मैं तो अलग तरीके से करता हूँ यहाँ पर ठीक है उस तरीके वो तरीका आपको सिखाएंगे ठीक देखो अब थोड़ा सा एक पेज नया ले लेते हैं आप देखो इंस्टॉलमेंट की बात हो इंस्टॉलमेंट में मैंने आपको सिखाया भाई पिछली क्लास में क्वेश्चन किया होगा आप लोगों ने यहाँ पर कोई बंदा कुछ रुपया जमा करता है मान लो चार साल की बात करें तो चार साल का ब्याज मिला फिर यहाँ पर उतना ही रुपया जमा किया तो तीन साल का ब्याज मिला फिर उतना ही रुपया यहाँ जमा किया दो साल का ब्याज मिला उतना ही रुपया यहाँ जमा किया एक साल का और आखिरी में जाके उसने मिस्र धंदा इकट्ठा किया जो भी किया वो उसको मिल गया था इतनी बात क्लियर सबको मगर यहाँ पर उसमें ये फर्क है कभी भी किस्त का क्वेश्चन दिखे आपको कभी भी एक बात ध्यान रखना कभी भी किस्त का क्वेश्चन आपको दिखे जितने साल की किस्त होती है ना भाई जितने साल की अमाउंट हमें किस्तों में चुकाना है या जितनी किस्तों में चुकाना है उससे एक कम समय ले लो उससे एक कम चार किस्त है तो समय तीन लेना है पांच किस्त है तो समय चार लेना है तीन किस्त है तो समय दो का लेना है एक कम होता क्या है देखो हम मान लेते माना किस्त तो परसेंट मूलधन होता है और हमने यहां देखा हमने यहां देखा मिश्रधन धन तैयार हो रहा है क्या तैयार हो रहा है यहां पर मिश्र धन हर बार यहां पर अमाउंट तैयार हो रहा है ठीक है, हो रहा है। देखो तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या था तो प्लस में आर टी यही था अब देखो तो प्लस में दर कितनी है बारह कितनी है चार बराबर किस्तों वार्षिक किस्तों में चार बराबर वार्षिक किस्तों का मतलब चार बार वो सकल दिखाने जाएगा उसको मतलब समय एक कम ले लो ठीक है समय क्या करेंगे यहां पर एक कम ले लेंगे थीन. समय एक कम ले ठीक है चार है तो समय कितना लेंगे यहां पर तीन तो ये हो गया एक सौ छत्तीस परसेंट दूसरा तो प्लस में बारह गुना में एक साल कम होगी चौबीस परसेंट तो, तो, तो प्लस में बारह गुना में एक एक सौ बारह परसेंट तो प्लस में कोई समय नहीं जीरो ब्याज यहाँ से जीरो मिलेगा तो जीरो मत कर देना प्लस का निशान है प्लस में जीरो जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कहीं तो जीरो बना दो इसको अब यहाँ से देखें तो हमारा जो मिसर धन जो है अमाउंट है वो इकट्ठा कितना इकट्ठा हो रहा है यहाँ से वो यहाँ से हो रहा है पर हां कितना छः तो चार दस और दो बारह हासिल एक ठीक है तो ये पाँच और एक छः और एक सात ठीक है यहाँ से कितना हो गया अपना चार तो किसके बराबर है नौ सौ चवालीस के बराबर कितना था ये नौ सौ चवालीस रुपये ठीक है तो अपना सौ परसेंट किसके बराबर देख लेते हैं नौ सौ चवालीस अब देखो तो कितना गुना है ये देखा जाए तो दो गुना है कितना गुना भाई दो गुना है कितना गुना है दो गुना है। दो गुना इसको कर दो फिर दो सौ रुपये जो प्रत्येक किस्त है प्रत्येक जो किस्त है वो कितने रुपए की है दो सौ रुपये की है भाई दो सौ रुपये आंसर हो जाएगा ठीक है कर इस तरीके से एक बात ध्यान रखना हमेशा यहाँ पर हमें क्या तैयार करना है मिस्टर धन तैयार करना है अमाउंट तैयार करना है ठीक है कुछ अमाउंट ये होगी कुछ ये हो गई कुछ ये हो गई और कुछ ये होगी समझ गए बात और किस कितने रुपए की थी वहाँ पर दो सौ रुपये की आरी रही बात समझ में कर लोगे किस्तों में समय एक कम लेना है समझ गए बात किस्त जब किस्त वाला क्वेश्चन दिखे आपको जितना दे रखा है या जितनी किस्त दे रखी है उससे एक कम समय लेके चलो करो क्या बोला ये सत्रह सौ चालीस रुपए की पांच बराबरवासी किस्तों में कहा जाता है प्रत्येक किस्त के शेष समय के लिए आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दे हो तो प्रत्येक किस्त की राशि बताओ देखो मूलधन यदि अपना सौ तो परसेंट या किस्त किस्त अपनी जो है सौ तो प्रतिशत यहां से अमाउंट क्या बनेगी सौ तो प्लस में आर टी परसेंट तो दर कितनी अपनी आठ परसेंट समय कितना लोगे एक कम पाँच किस्त है तो समय एक कम लेना है ठीक तो ये समय लेना है यहाँ पर चार तो बत्तीस हो जाएगा समय लेना है यहाँ पर तीन तो चौबीस तो हो जाएगा समय लेना है यहाँ पर दो तो सोलह हो जाएगा समय लेना है यहाँ पर एक सौ आठ हो जाएगा तो मैं लेना यहाँ पर कितना वो हो ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो जाएगा यहाँ से अवराल देखा जाए तो कितना हो जाएगा यहाँ से आठ दो दस दस और दस बीस दो पाँच और छः और दो आठ हासिल पाँच पाँच तो सौ अस्सी परसेंट के बराबर है सत्रह सौ चालीस के बराबर। अपना सौ परसेंट किस कितना तो गुणा है वही है इसका इसका तीन गुना है तीन गुना फिर इसको कर दो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की हो जाएगी यहाँ से प्रत्येक किस्त तीन सौ रुपये ठीक है ना वहाँ पर किस्त कितने की थी दो सौ रुपये ठीक है यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू दो सौ ही आएगा ठीक है ना ध्यान रखना बस तो ये बात यहाँ से आप वैल्यू सोल्व करोगे तो कितना आएगा दो सौ रुपये तो अपना कितना हो जाएगा यहाँ पर दो सौ पिछले का और इसका कितना होगा तीन सौ रुपये ठीक है भाई तरीके से ध्यान रखना तो प्रत्येक किस्त जो है वो कितने रुपए की थी प्रत्येक किस्त तीन सौ रुपये ईच इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की थी वो थ्री हंड्रेड रुपीज ठीक है नेक्स्ट करो कौन सी राशि कौन सी वार्षिक किस्त बाईस सौ रुपए के ऋण को सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से चार सालों में अदा करेगी बताओ ऐसा ही क्वेश्चन जल्दी हाँ भाई देखो क्या करेंगे इसमें किस्त मान ली हमने कितनी दो परसेंट अमाउंट क्या बनेगा सौ प्लस में दर कितना है सात तो हमें एक कम लेंगे तीन एक सौ इक्कीस पर यहाँ से सौ प्लस में सात गुणा में दो एक सौ चौदह हो गया सौ प्लस में सात गुणा में एक एक सौ सात हो गया सौ प्लस में सात गुणा में जीरो हो गया कितना हो गया यहाँ से यहाँ से हो जाएगा हमारा पाँच बारह हासिल एक यहाँ से हो गया चार तो यहाँ से हो जाएगा अपना तो तो, चार ये बात तो करें चार सौ बयालीस परसेंट के बराबर है बाईस सौ दस के बराबर है तो अपना सौ प्रतिशत 2210 बटे में चार सौ बयालीस गुणामिस पाँच दूड़ी दस पाँच दूनी दस इक्कीस पाँच का बीस रुपये की इक्कीस हो जाएगा ये पाँच पे चला जाएगा जाएगा ये तो इसका मतलब प्रत्येक जो किस्त थी वो कितने पाँच सौ रुपये कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन तो प्रत्येक किस्त होगी पाँच सौ रुपये रुपए की होगी भाई आ रही में कर लोगे इस तरीके से ऐसे नहीं है बिल्कुल भी करो कौन सी तिम, तिमाही किस्त इक्कीस सौ बीस रुपए के ऋण में को एक वर्ष में सोलह प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से चुका देगी। अब समय क्या दे दिया यहां पर? एक नहीं है हालांकि है तो बूढ़े वाली आजकल कौन फिर छह महीने में करता है निकम्मा बूढ़ा तो उसका एक महीने में सब कुछ रफा दफा कर देता छमाही तिमाही जो भी कर देते हैं ना तो छमाही का मतलब होता है हाफ ईयरली छह महीने में सकल दिखाएगा उसको मतलब ब्याज चुकाने जाएगा मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर ठीक है छह महीने में ब्याज चुकाएगा और तिमाही में क्या होता है तीन तीन महीने में जाता है वो तिमाही मतलब तीन तीन महीने का यदि हम पेड़ बनाए हम तो साल में कितनी बार जाएगा वो साल में वो जाएगा चार बार तीन तीन महीने के यदि हम बात करते हैं तो साल में कितनी बार जाएगा चार बार जाएगा ठीक है तो यहाँ पर है अब नॉर्मल सी बात है मैं कहता हूँ भाई पूरे साल में आपको सोलह परसेंट ब्याज देना है तो जब तीन महीने में जाएगा ब्याज में की, तो तो की दर तो कम होगी अब ये थोड़ी भाई तीन महीने में ही वो क्या करेगा ऐसे थोड़ी करेगा वो तीन महीने में ही वो पूरा पूरा सोलह परसेंट दे देगा दे नहीं उसका वहां पर क्या हो गया बर्डन कम हो गया अब कहते हो सर मैं है ना ये जो फीस है अपनी ऐप की मैं आपकी जो फीस है मैं इंस्टॉलमेंट में चुकाना चाहता हूँ फिर मैं क्या कहूँगा एक काम कर भाई तू क्वार्टरली ले ले तीन तीन महीने में चुका दे अब तीन महीने में आप पूरी फीस थोड़ी दोगे उसका तीसरा हिस्सा दोगे वहाँ पर समझ गए बात मतलब तीसरा हिस्सा मेरा कहने का मतलब जो है एक साल की यदि तीन महीने की बात करें तो चौथा तो हिस्सा बनता है वैसे तो ठीक है तीन महीने की यदि हम बात करें यहाँ पर देखो इसमें जो समय है अपना समय अपना जो भी समय होगा उसको क्या करेंगे चार से गुणा चार से गुणा क्यों क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसमें हो रही है वो क्वार्टरली में हो रही है क्वार्टरली की यदि हम बात करें मैं बता देता हूँ इसका प्रोसीजर क्या है छमाही की हम बात करें छ माह हाफ ईयरली माही की बात करें जो भी दर होती है जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम आधा आधा कर देते हैं क्या कर देते हैं आधा समय को क्या कर देंगे डबल समय को क्या कर देंगे डबल और यदि हम बात करें यहां पर यदि हम बात करें तिमाही की इसकी तिमाही क्वार्टरली की, की हम बात करें जो भी दर होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको चार से भाग करेंगे अपन और समय को क्या करेंगे भाई समय तो क्या करेंगे चार से ठीक है। अब देखो यदि मूलधन यदि हमारा यदि जो हमारी किस्त वो सौ परसेंट आपको पता ही मिश्र धन क्या बनने वाला है सौ तो प्लस में आर्टी परसेंट अब देखो हम उठा लेते हैं अपना समय को समय कितना अपना एक साल है एक गुणा में क्या करोगे यहाँ पर चार कर दोगे चार तिमाही हो जाएगा क्या हो जाएगा चार तिमाही क्या हो जाएगा ये चार तिमाही चार तिमाही हो जाएगा यहाँ से दर की अपन बात करें दर रेट ऑफ इंटरेस्ट सोलह परसेंट है सोलह बटे चार कितना हो जाएगा ये चार परसेंट कितना हो जाएगा भाई चार परसेंट समझ के बाद अब आगे से जो दर और समय है वो ये यूज करना प्रॉफिट तो दर कितनी है चार परसेंट समय समय अब चार बार चुकाएगा एक साल में चार बार जाएगा तो एक कम लो कितना तीन एक सौ बारह आपको पता किस्त वाले क्वेश्चन में एक, स... एक कम लेते हैं आप समय एक सौ आठ एक सौ चार और यहां से जीरो मतलब इसको से कितना हो गया टोटल देखा जाए तो हम देखें यहाँ पर 10 और 4 14 हासिल एक 14 हो गया ये और ये चार हो गया 414 हो गया कितना हो गया 414 अपने पास कितना यहाँ पर अपने पास जो रुपया है वो कितना है भाई वो अपना 414% बराबर इक्कीसो बीस के बराबर है तो अपना सौ परसेंट देखो भी कितने में जाएगा ये पांचों का बीस पांच पांच बारह एक सौ आठ एक सौ जीरो दस और चार चौदह एक और चार चार सौ चौदह हो गया ठीक है चार सौ चौदह किसके बराबर हो गया ये एक सौ तो बीस नहीं है यहां से हो गया भाई तिमाही की बात हो रही है तो चार बार हो गया तो तो चार चौदह अरे दो आएगा भाई यहाँ पर गड़बड़ होगी ना दो आएगा ये।, ये अपना क्या हो गया सही तो हो गया अब पांच गुना है ये भूल गए थे यहाँ पर है ना ये चार सौ चौबीस आएगा ठीक है तो क्या आएगा अपना जो इंस्टॉलमेंट है प्रत्येक जो किस्त होगी कितने रुपए की होगी पाँच सौ रुपये ठीक है लेना इसको यही फर्क होता ऑफलाइन का और ऑनलाइन का ऑफलाइन में तो सामने बच्चे बता देते हैं सर ये ऑनलाइन में पता नहीं चलता है ना कोई नहीं कर लोगे भाई इस तरीके से करो फिर एक क्वेश्चन ऐसा क्वार्टरली में भाई चार से भाग सर क्यों किया चार से भाग क्वार्टरली पौआ याद है आधा पौआ तो याद होगा हाँ वही है बस पौआ कौन सा होता है बोतल का चौथा हिस्सा है ना वही है ये और आधा आधा हिस्सा ठीक है ना तो जब भी छमाई की बात करता है वीरे जब भी छमाई की बात करता है तो दर को करना क्या आधा और समय को क्या करना डबल ये चीज वहां पे भी काम आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट में ध्यान रखना ठीक है और जब तिमाही की बात करें तो क्वार्टर चौथा हिस्सा कर दो दर का और समय का क्या कर दोगे आप तो उसका क्या हो गया ब्याज उसका बर्डन क्या हो गया कम हो गया चौथा हिस्सा कम हो चुका उसका बर्डन ठीक है समय कितना हो जाएगा चार ठीक है चार बार जाएगा वो एक साल में तिमाही का मतलब तीन तीन के टुकड़े बनाएंगे तो वही है सर आपको पता वैसे भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में जितना समय होता है उससे एक कम लोगे आप ठीक है एक कम लिया और उसको सोल्व कर दो ठीक है भाई करो कौन सी वार्षिक किस्त उन्नीस हजार तीन सौ पचास रुपए के ऋण को चार वर्ष में पांच दान ब्याज की दर से अदा करेगी देखो बस यही है फिर किस्त अपनी दो परसेंट तो मिश्रधन क्या बनेगा सो समय आपका चार है तो तीन ले लो एक सौ पंद्रह परसेंट तो तो, 10%, तो, तो, तो पांच पांच दस परसेंट तो पाँच परसेंट तो जीरो पाँच और पाँच दस हासिल एक दो और एक तीन हो गया चार ठीक है चार सौ परसेंट किसके बराबर हो गया भाई दो परसेंट किसकेट दो इसको स पे जा रहा है क्या पाँच तीन पंद्रह बारह और बीस बत्तीस और एक इकतीस असिलेख चार चौके सोलह बत्तीस तीन सोलह उन्नीस सही है पैंतालीस पे जाएगा ये पैंतालीस सौ रुपये की किस्त कितने रुपए की थी जो प्रत्येक किस्त थी कितने रुपए की थी भाई पैंतालीस सौ रुपये ठीक है बाकी वही है कर लोगे भाई नेक्स्ट करो कौन सी तिमाही किस्त वही आ गया सेम टू सेम टाइप का तो दो साल का बोल दिया इसने बाईस सौ अस्सी रुपए के ऋण को सोलह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दो वर्षों में अदा करेगी बस दर क्या है दर सोलह परसेंट है तो सोलह परसेंट का चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा चार परसेंट हो जाएगा अपना समय कितना है समय दो साल है दो वर्ष का तिमाही के टुकड़े बनाएंगे तो कितना होगा आठ तिमाही हो जाएगा क्या हो तो जाएगा आठ तिमाही ठीक है भाई बस फिर माना किस्त परसेंट तो दर गुणा में समय दर गुणा में समय समय एक कम ले लो तो अठाईस परसेंट तो चौबीस परसेंट तो बीस परसेंट तो, तो भाई तो सोलह परसेंट तो बारह परसेंट तो उस तरीके से कर लो फॉर्मूला लगा दो जो बेसिक मैंने शुरू में बताया था वो तो आपके ऊपर डिपेंड है भाई जैसे आपको ठीक लगे ना वैसे कर लेना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात से कई बार है ना फॉर्मूला भूल जाता है पप्पू फैल हो जाता है दिक्कत ये भी तो आती है ना बड़ी विडम्बना यही है कितने रट्टे मारे फॉर्मू फॉर्मूला के बारह और छ अठारह अठारह और दो बीस अट्ठाईस बत्तीस तीन ठीक है दो चार छ दो आठ और दो ग्यारह आठ और तीन ग्यारह हो गया ना ठीक है ये अपना कितनी आठ आठ थी और एक नौ हो जाएगी यही आ रहा है ना तो इसके बराबर है बाईस सौ अस्सी रुपये बराबर है हाँ भाई देखना यही आ रहा है क्या 812 सौ बारह आ रहा है क्या बारह परसेंट अठ सौ परसेंट किसके बराबर होगा ये कितना गुना है इसका ढाई गुना है ढाई गुना इसको कर दो फिर हो जाएगा ढाई सौ रुपये रुपये कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन हमारा डी थी। ठीक है भाई कर लोगे, ऐसे करना है नेक्स्ट क्या कर अस्सी रुपए की वार्षिक किस्त पांच वर्षों में पांच प्रतिशत वार्षिक दर से कितने राशि का ऋण को चुकाएगी किस्त बता दी अब की बार अस्सी रुपए की किस्त है तो यहाँ से किस्त है मतलब सौ परसेंट दे दिया अपनी किस्त तो सौ परसेंट होती है ना भाई और यहाँ पर किस्त कितनी बोली इसने यहाँ पर किस्त बोल दी अस्सी रुपये प्रति वर्ष की किस्त वार्षिक किस्त अब यहां से पांच वर्षों का मिश्र धन कितना बढ़ेगा वो चेक कर ले चलो उल्टा दे रखा की बात तो मिश्र धन चेक करते तो वाले में समय एक कम लेते हो तो बीस परसेंट पंद्रह परसेंट तो दस परसेंट 5%, 5 5 दोर दोर पाँच परसेंट दो परसेंट ठीक है पाँच और पाँच दस आसिल एक दो और दो चार और एक पाँच यहाँ से क्या हो गया अपना पाँच बीसरे धन कितना हो गया पाँच सौ पचास हो गया बीसरे दन कितना हो गया, गया. गया यहाँ से पर, अपना पाँच सौ पचास परसेंट देख लेते हैं फिर तो ये अपना मिश्र धन बन रहा है और मिश्र धन इसने पूछा है कि वे कितना ऋण चुकाएगी वो हमें पता है सौ परसेंट हमें क्या पता 100 है भाई पर अस्सी रुपए के बराबर है तो किसके अस्सी बटे में सौ गुणा में पाँच सौ पचास चार पांच चार सौ कितना रुपया चुकाएगी वो चार सौ चालीस रुपये चुकाएगी कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में ठीक है भाई यहां का बताना भी कितना परसेंट के बराबर ये इतना परसेंट जो कितने बराबर है अब की बार रा किस्त दे दी आपको ये गीवन है क्वेश्चन में और ये गीवन है तो हमें एक बात का पता है कि ये तो सौ परसेंट है इसको हम कितना मानते थे हमेशा सौ परसेंट मानते थे परसेंट किसके बराबर अस्सी परसेंट के बराबर है तो जो राशि चुकानी पड़ेगी वो कितना बनती हो चेक कर लो बस जैसे हम पीछे करते आए हैं अब तक फॉर्मूला लगाओ फॉर्मूले लगा फॉर्मुले स्टार्टिंग नेक्स्ट ये कह रहा है एक हजार रुपए की राशि वार्षिक किस्त एक हजार रुपये की वार्षिक किस्त पांच वर्षों में चार प्रतिशत वार्षिक दर से कितने रुपए का ऋण अदा करेगी वही क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन ये भी देखो किस्त अपनी सौ परसेंट और यहाँ पर किस्त कितनी है एक किस्त कितने रुपए की यहाँ पर एक हजार रुपए की अब ऋण देखते हैं कितना बनता है विसर्जन सौ तो प्लस में समय कितना पांच किस्तों का तो चार ले लो और दर चार चार गुना में चार एक सौ सोलह परसेंट दो तो प्लस में चार गुना में तीन एक तो सौ बारह परसेंट दो तो प्लस में चार गुना में दो एक सौ आठ परसेंट दो तो प्लस में चार गुना में एक एक सौ चार परसेंट दो तो प्लस में चार गुना में जीरो अब तो देखो दस और दस बीस हासिल दो दो और दो चार एक दो तीन चार पाँच तो चौवन परसेंट किसके बराबर होगा वो चेक करना हमें पता है सौ तो परसेंट सौ परसेंट अपना किसके बराबर है एक हज़ार रुपये के बराबर है ये अपना दस गुना है तो चार सौ पचास पाँच सौ चालीस परसेंट किसके बराबर होगा तो यदि हम दस गुना इसको कर दें कितना हो जाएगा यहाँ से अपना यहाँ से हो जाएगा अपना चौवन सौ रुपये कितना हो जाएगा भाई कितना रुपया चुकाएगी वो चौवन सौ रुपया चुकाएगी ठीक है भाई फिर कैसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका ठीक है पजल नहीं होना बिल्कुल भी ठीक है जैसे आप कर सकते हैं नेक्स्ट सात सौ की सात सौ की वार्षिक किस्त पाँच वर्षों में दस परसेंट की दर से कितने रुपए का ऋण अदा करेगी किस कितने रुपए की सात सौ रुपए हम किस्त कितना मानते हैं प्रत्येक किस्त मानते हैं सौ है? तो यहां से ऋण कितना बढ़ेगा वो देखते हैं पांच सालों का सौ प्लस में चार एक सौ चालीस कितना समय उससे कम सौ प्लस में दस गुना में तीस तो प्लस में जाएगा, दो तो प्लस में दस परसेंट हो जाएगा दो तो प्लस में दो परसेंट तो किसके बराबर है भाई वो हमारा जीरो यहाँ से हो गया सात और तीन दस हासिल एक पाँच और एक छः हो गया छः सौ परसेंट 600% हमें फाइंड आउट करना हमें पता है सात सौ किसके बराबर है सौ अपना सात सौ के बराबर है किसके बराबर भाई सात सौ के बराबर है सात गुना है तो 600% किसके बराबर होगा क्या सात गुना करें तो छः से बयालीस हो जाएगा बयालीस सौ के बराबर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन है डी हमारा आंसर हो जाएगा कर लोगे भाई इस तरीके से छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी ठीक है ना इस तरीके से करोगे आप नेक्स्ट क्या करें एक वस्तु का मूल्य सौ अस्सी रुपये है चालीस रुपये का नकद भुगतान किया जाता है और नगद भुगतान करने के पर यह वस्तु तीस रुपए की पांच बराबर मासिक किस्तों में उपलब्ध है तो ब्याज की दर क्या हो एक सौ अस्सी रुपए की है मूल्य कितना उसका एक सौ अस्सी चालीस उसने डाउन पेमेंट कर दी नकद भुगतान तो बच गया कितना एक सौ मतलब क्या होगा एक सौ चालीस तो ये और साथ में अगला ब्याज भी तो लेगा यही बात है ना कितने किस्तों में पांच बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाता ही इतने में पांच बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाता है तो इसका मतलब जो ब्याज हो रहा है वो पांच का मूलधन जो राशि चुकाएगा वो सर गुणा में समय में पांच है पांच किस्तों में तो समय यही आएगा ब्याज अपना एक सौ चालीस प्लस में और ये मासिक की बात हो रही है मासिक किस्तें तो बटे में बारह कर देंगे मतलब तो ये अमाउंट चुकानी और पड़ेगी उसको तो भाई एक सौ चालीस रुपये छोड़ के गया है वो एक सौ चालीस रुपये तो ये चुकाने पड़ेंगे और साथ में उसका ब्याज भी तो चुकाना पड़ेगा आपको पाँच किस्तों के हिसाब से जैसे शुरुआत में ही ब्याज यहाँ पर छोड़ गया रकम रुक, तो यहीं से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा ठीक है ना ठीक है ना ये किसके बराबर है ये सारी वैल्यू किसके बराबर है जैसे देखो ये हमें बताना भाई ये कितना रुपया टोटल होता है उसके हिसाब से हम ये वैल्यू किसके बराबर होगी जैसे ये पैसा देता मान लो एक रुपया फिर उस पर ब्याज लगेगा ठीक है फिर और जमा करवाएगा तीस रुपये फिर उसका ब्याज मिलेगा हमें ठीक है ऐसे ऐसे करके टोटल अमाउंट कितनी होनी चाहिए वो हो? ये इतनी इकट्ठी होनी चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं हम जैसे देखो चालीस एक प्लस में एक गुणा में दर गुणा में समय बटे में सौ मासी का तो बटे में बारह कर दें ठीक है मासी का तो पट्टे में क्या कर देंगे बारह अब यहाँ पर देखो किस्तों की बात करें भाई किस्तों में क्या होता है समय एक कम लेते हैं आप समय एक कम होगा जैसे अपने शुरुआत में तो अस्सी रुपये जमा करवा दिए चालीस चालीस रुपये जमा करवा दिए साल के अंत मतलब महीने के अंत में आओगे पैसा दोगे कितना रुपया तीस रुपये तीस रुपये रुपये आप दोगे नीचे लिख देता हूँ मैं देखें लंबा हो जाएगा ना ये थोड़ा सा चार सौ चालीस फिर एक सौ चालीस का ब्याज पाँच के बटे में बारह मासिक है अब देखो तीस रुपये का भुगतान करोगे तीस का आपको ब्याज भी मिलेगा कितने का सर हमें नहीं पता एक कम बटे में सौ गुणा में बारह प्लस में फिर तीस रुपये का भुगतान करोगे फिर आपको ब्याज मिलेगा कितने का तीन का बटे में बारह फिर आप तीस रुपये जमा करोगे फिर आपको यहाँ पर दो का बीस गुणा में दर गुणा में दो बटे में सौ गुणा में बारह फिर आप तीस रुपये जमा करोगे फिर आपको एक का मिलेगा और फिर आप तीस रुपये और जमा कराओगे आखिरी में फिर कोई ब्याज नहीं मिलेगा ठीक है ये बाद में और तीस हो ठीक तो है ना देता हूँ प्लस में। अब तीस 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 कितने एक्स्ट्रा तीस हो गए पचास मतलब पाँच डेढ़ सौ हो गए डेढ़ सौ सड़ जा घट जाएगा ठीक है इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो ये लेंथी हो जाता है थोड़ा सा ठीक है जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगी वैसे तो देखा जाए तो इसका तीस परसेंट आएगा उत्तर मतलब इस तरीके से सॉल्व करोगे लेंथी होगा मगर अपना तरीका थोड़ा सा अलग है उस तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं इसकी ठीक है बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊँगा मैं आपको देखो जो रकम चुका रहे हैं और जो बच रही है उसको साइड में रख लो जैसे देखो एक सौ अस्सी रुपया था चालीस रुपया आपने शुरुआत में दे दिए जो बच गया उसमें हर बार कितना रुपया चुका रहे हो हर किस्त में कितना रुपया चुका रहे हो आप तीस रुपया प्रत्येक किस्त में चुका रहे हो तो ऐसे ऐसे पांच किस्त दोगे आप देखो कैसे जैसे मान लो ये है जैसे आपने एक सौ अस्सी रुपये तो मूल्य है वस्तु का मूल्य कितना है एक सौ अस्सी रुपये ठीक है क्या करोगे आप एक सौ अस्सी रुपये अपने पास है यहाँ पर शुरुआत की हम बात करें जैसे एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी में आपने चालीस रुपये चुका दिया बच गया कितना भाई एक सौ चालीस रुपये बचेगा समझ गया ना बात एक सौ चालीस फिर एक सौ चालीस में आपने कितना रुपये चुका दिया तीस रुपये और चुका दिया तो बच गया कितना एक सौ दस फिर एक सौ दस में आपने तीस रुपया और चुका दिया बच गया कितना अस्सी फिर एक अस्सी में तीस रुपये आपने और चुका दिया बचिया पचास फिर पचास में तीस रुपया और चुका दिया बचिया कितना भाई बीस समझ गया बात इस हिसाब से देखा जाए तो ये कितना बनता है यहां से छोड़ो चार एक पाँच तेरह तेरह और सात बीस ठीक है दो दो चार चार सौ रुपये उसने उसको दे दिया कितना रुपया दे दिया भाई चार सौ रुपये मगर यहां पर देखें इस हिसाब से यदि देखें चार सौ रुपये उसने चुकाया है इस हिसाब से देखा जाए तो ये कितना बनता अपना चार सौ रुपए वास्तव में कितना रुपया चुकाया वो देखो आप वास्तव में कितना रुपया चुकाया है अब देखो एक सौ अस्सी रुपए डाउन पेमेंट थी मतलब डाउन पेमेंट तो अपनी एक सौ चालीस ही रुपए थी जैसे हमने शुरुआत में डाउन पेमेंट दी उसने चालीस रुपए छह सरासी छोड़ के गया वो राशि छोड़ के गया एक सौ चाल अब यहां पर देखो आप किस्तों में उसने कितना पैसा दिया तीन पांच किस्त डेढ़ सौ रुपये तो ये दिया और चालीस रुपये डाउन पेमेंट कितने रुपए चुकाए उसने एक सौ नब्बे रुपये एक सौ नब्बे रुपये वस्तु कितने की थी वस्तु थी अपनी एक सौ अस्सी की की वस्तु थी अस्सी तो यहाँ पर ब्याज कितना बना मतलब दस रुपये उसमें क्या है यहाँ पर ब्याज है क्या दस है। वो दस रुपये ब्याज किसका ब्याज है वो वो ब्याज है चार सौ रुपये का किसका ब्याज है भाई चार सौ रुपये का ब्याज हो समझ के बाद किसका ब्याज है वो चार सौ का तो मूलधन गुणा में दर समय एक साल बटे में वार्षिक ब्याज के हिसाब से जो ब्याज बना अपना कितना बना हुआ दस रुपये बना है गया ग्यारती बारह तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना थर्टी परसेंट मैंने पीछे भी कहा था थर्टी परसेंट अब देखो किस्तों के माध्यम से उसने जो पेमेंट चुकाई है किस्तों के माध्यम से जो उसने पेमेंट पाई है वो कितनी चुकाई है तीस गुना में पाँच तो वो किस्तों की होगी पेमेंट डाउन पेमेंट इसने दी थी कितनी चालीस रुपये तो वस्तु उसको कितने की पड़ी है वस्तु पड़ी एक सौ नब्बे रुपये की और थी कितनी वस्तु वस्तु की कीमत कितनी थी एक सौ अस्सी रुपये दस रुपे क्या है ब्याज दस रुपये क्या मिला उसको ब्याज मिला है और ये ब्याज जो है किसका है ब्याज है किसका चार सौ का चार सौ का दस परसेंट मतलब कितना परसेंट दस होगा तो आप चेक कर लो ठीक है जो पेमेंट चुका रहा है जैसे एक सौ अस्सी था जो बच गया उसका ब्याज किसका मिल रहा है आपको ब्याज किसका मिल रहा है जो पेमेंट आपने चुका दी उसके बाद जो बच गया उसका ब्याज हमें लगा रहा है वो ब्याज किसके ऊपर लगा रहा है जैसे आपने देखो आपने दो सौ रुपये की वस्तु थी दो सौ रुपए में से आपने चालीस चुका दिए तो बाकी पे ब्याज लगेगा जो आपने पैसा चुका दिया बाकी पे ब्याज लगेगा वही बात यहाँ पर है ब्याज किसके ऊपर लगा रहा है देखो चालीस रुपए चुका दिए ब्याज किस पे लगा रहा है एक सौ चालीस पे फिर तीस रुपए चुका दिए ब्याज किस पे लगाएगा एक सौ दस पे तीस रुपए चुका दिए अस्सी पे ब्याज मतलब ऐसे ऐसे करके ब्याज कितने रुपए पे लगा टोटल चार सौ के अमाउंट पे ब्याज लगाया उसने घुमा घुमा के ब्याज कितना लगाया चार सौ के अमाउंट पे लगाया है और वो ब्याज कितना हमने देखा ब्याज तो वो दस ही रुपये है कितना रुपये है दस रुपये दस रुपये अपना ब्याज है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है ठीक है ब्याज दस रुपये है किसका चार सौ का तो दर कितना क्या बनती है ठीक है मंथली यही है बटे में बारह से लिखी है वारसी बनाने के लिए ठीक है ब्याज की जो दर होगी वो तीस परसेंट होगी भाई कितनी होगी तीस परसेंट ठीक है नेक्स्ट करो लास्ट क्वेश्चन है ये खत्म हो जाएगा फिर एक व्यक्ति नौ रुपए में बाईस रुपए नगद भुगतान करता है और शेष को चौदह रुपए की पांच मासिक किस्त में उपलब्ध है तो साधारण ब्याज की दर बताओ ऐसा क्वेश्चन देखो वस्तु कितने की थी 9000 की नगद भुगतान कितना है बाईस सौ देखो नौ हजार में से बाईस सौ चुका दिया उसने बच गया कितना अड़सठ सौ फिर अड़सठ सौ में किस्त बना दी कितने की चौदह सौ की चौदह सौ और घटा दो ये हो गया चंवन सौ फिर चंवन सौ में से चौदह सौ और घटा दो कितना हो गया ये चार हजार फिर चार हजार में से चौदह सौ और घटा दो कितना हो गया ये छब्बीस सौ छब्बीस सौ में से चार चौदह सौ और घटा दो कितना हो जाएगा ये बारह सौ एक दो तीन चार पाँच चार किस्त है ठीक है चार किस्त होगी ना देखो एक दो तीन चार इस तरीके से हम देखें दो तो कितनी होगी अपनी अड़सठ सौ हो गया चौवन सौ हो गया चार हजार हो गया पाँच हो गया पाँच अमाउंट हो गया अपने पास ठीक है अब सबको जोड़ दो दो जीरो से दो जीरो गया ठीक है यहाँ से हो जाएगा अपना दस और दस बीस हासिल दो ग्यारा, ग्यारा बीश। बीश है ग्यारह ग्यारह और चार पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस हजार रुपये पे ब्याज लगाया उसने बीस हजार रुपये पे ब्याज लगाया है तो अब देखो यहाँ से ब्याज यदि बीस हजार रुपये लगाया है तो आप देखो पेमेंट कितने चुका रहा है वो पेमेंट यदि किस्तों में देखें तो किस्तों में पेमेंट कितनी दे रहा है वो वस्तु को बाईस सौ तो एक दे रहा है बाईस सौ तो एक दिया और साथ की साथ चौदह सौ की पांच किस्त है चौदह पाँच सत्तर सत्तर ये बानवे सौ हो गया हाँ भाई चौदह सत्तर हो गया सात हज़ार तो ये हो गया अपना ठीक है बानवा सौ तो ब्याज कितना बना इसमें से ब्याज हो गया अपना कितना बानवा सौ से नौ हजार की वस्तु थी दो सौ रुपये तो ब्याज इसमें कितना ब्याज है भाई दो सौ रुपये ब्याज है ठीक है ना दो सौ रुपये तो अपना ब्याज है दो सौ रुपये यदि ब्याज है तो ब्याज की दर हमें निकालनी है ब्याज किसके ऊपर लगा रहा है वो जो राशि बन रही है उसके ऊपर इस पे इसपे ब्याज लगा रहा है ये जो शेष राशि अपनी तो दो हजार का दो बीस सॉरी बीस हजार का ब्याज की दर देखें एक साल में मासिक के मासिक है एक एक मंथ है तो बटे में बारह कर दो तो अपना कितना बनेगा दो हजार दो सौ रुपये ब्याज है आटो इसको कितने बजाएगा ये तो और सौ से सौ बारह परसेंट आएगा कितना आएगा बारह परसेंट ठीक है ब्याज की जो दर होगी कितनी होगी वो बारह प्रतिशत कर लोगे भाई इस तरीके से तो ऐसे कई बार क्या है कि आपसे ब्याज की दर भी पूछ लेता है ठीक है ध्यान रखना है नौ हजार रुपये थे बाईस सौ तो एक बार दिए उसके बाद फिर ये चुकाए फिर उस पर ब्याज लगा बाकी जो चुकाए उस पर ब्याज लगा मतलब ये आप सोचोगे ना भाई सर यहाँ पर देखो ये जो पेमेंट बच गई आखिरी में है देखो ये इंस्टॉलमेंट है आखिरी इंस्टॉलमेंट क्या होती है उस उसमे तो ब्याज लगता ही नहीं है ब्याज तो जिस जिसपे लगा वही राशि हमने देखी है तो समझिए बात तो यहाँ पर देखोगे आप ये मैं तो पर पांच बराबर मासिक किस्तों की बोला था किस्त किस्त तो आपने यहां पर चार चार ही ली ली है मानता मगर आखिरी किस्त तो लास्ट में कंप्लीट हो जाता है ना उस उसपे तो ब्याज देता ही नहीं है हमने वही किस्त ली है जिसपे ब्याज लग रहा है ठीक है भाई एक कम तो यहाँ पर अपना जो हमने देखा जो पेमेंट हमने दी है पेमेंट देखो बाईस तो डाउन पेमेंट दी है और चौदह के हिसाब से पांच किस्त देगा तो कितने रुपए सात हज़ार रुपये सात हज़ार ये बाईस सौ ये बानवे सौ रुपये तो उसने चुका दिए ठीक है नौ हज़ार की वस्तु बारवें सौ की दी है तो ब्याज कितना दिया उसमें ब्याज उसने चुकाया दो सौ रुपये ठीक है दो सौ किसका ब्याज है ये बीस हज़ार रुपये का ब्याज है तो उसको मैं ब्याज की दर क्या होगी अपनी बारह परसेंट कर लोगे भाई इस तरीके से तो ये था आपका साधारण ब्याज ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नया टॉपिक ठीक है नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आएंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू जय हिंद जय भारत वंदे मातरम